exercise CY3 of chapter 3. Let us start. First question is, use the bar graph to answer the following questions. हमारे पास देखो एक बार ग्राफ गिवन है, ये देखो हमारे पास, और इसमें हमारे पास टू क्वेश्चंस हैं, तो हमें इनके आंसर्स फाइंड करने हैं. अब देखो हमें सबसे पहले तो बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना है. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो नीचे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें पेट एनिमल्स हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो यहाँ पर जो है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. इनमें से हमें ये बताना है कि सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है. अब देखो वो हमें कैसे पता चलेगा, अब देखो हमने बार ग्राफ को ऑब्जर्व किया, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और यहाँ पर एनिमल्स हैं हमारे पास, जैसे डॉग है, डॉग में यहाँ पर देखो जो हमारे पास ये बार बना हुआ है वो कहाँ पर है, 8 पर. दैट मीन्स कि यहाँ डॉग्स जो है वो 8 स्टूडेंट्स को पसंद है. इसी तरह से कैट्स जो है वो 10 स्टूडेंट्स को, रैबिट, इसी तरह से ये सभी हैं. अब यहाँ पर विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, अब यहाँ पर देखो सबसे जो बड़ा बार है वो क्या है, कैट्स का है, ठीक है. दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर क्या है, कैट जो है ज्यादा पॉपुलर है, और इसका आंसर भी यही आ जाएगा. तो विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कैट्स. अब सेकेंड जो बी पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज ए पेट, कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग जो है एज ए पेट है, मतलब डॉग्स कितने स्टूडेंट्स के पास है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डॉग देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, यहाँ देखो 8 पर है ये बार, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे जिनको डॉग्स पसंद है या डॉग्स उनके पास एज ए पेट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8. तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 1 है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब देखो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, देखो बार ग्राफ हमारे पास यहाँ भी गिवन है, हमने इस बार ग्राफ को देखकर हमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर्स फाइंड करने हैं. तो अब देखो बार ग्राफ में क्या है, ईयर्स हैं और नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है. तो अब ईयर्स कौन से हैं, 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई, 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई, 1991 में, 1992 में, 1993 में. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1991. अबाउट मतलब कि हमें इसमें से ये बताना है कि इन ईयर्स में मतलब अबाउट कितनी बुक्स जो है वो सोल्ड हुई हैं. अब सबसे पहले ना हम यहाँ पर बुक्स ही लिख लेते हैं कि कौन से ईयर में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं. अब सबसे पहले देखो 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं. अब यहाँ पर देखो, अगर ये देखो बार जो हमारे बने हुए हैं वहाँ पर देखो ये 200 से थोड़ा नीचे है, तो इसका मतलब अब हमें एक्यूरेट एस्टिमेट तो नहीं दिया हुआ, तो हम ये मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि ये 180 के आसपास होगा. तो हम लिख लेते हैं अबाउट, यहाँ पर ये क्या है, 180 बुक. इसी तरह से 1990 में देखो ये क्या है, कंप्लीट 500 पे बार नहीं है, 400 से अबव, 500 से थोड़ा सा नीचे, तो दैट मीन 475 की अबाउट होगा ये, 475. अब यहाँ 1991 में देखो कितना है, 300 भी कंप्लीट नहीं है, तो ये है 325 की अबाउट. अब 1992 में ये है 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो दैट मीन्स 225 की अबाउट होगा ये, 225. और ये 1993 में जो है ये कंप्लीट क्या है, 600 है, ठीक है. अब यहाँ से हमें नंबर ऑफ बुक्स पता चल गया. अब यहाँ अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड, अब 1989 में देखो कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, 180, और 1990 में 475, 1991 में कितनी है, 325. तो यहाँ राइट कर देते हैं, देखो आंसर लिखेंगे 1989 में कितनी बुक्स है, 180 बुक्स, ठीक है, और 1990 में 475 बुक्स,
1991 में कितनी बुक सोल्ड हुई है? 325। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, इन विच ईयर्स वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। मतलब कौन से ईयर्स में 475 बुक्स सोल्ड हुई है और कौन से में 225। अब देखो 475 बुक्स कौन से ईयर में है? 1990 में। और 225 कौन से ईयर में? 1990। तो मैं तो यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं इसका आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो यहाँ राइट करते हैं। 475 बुक्स जो थी, 5 बुक्स कौन से ईयर में है? 1990। ठीक है, अब 225 बुक्स कौन से ईयर में है? 1992। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। मतलब कौन से ईयर में 250 बुक्स से कम बुक्स जो है वो मतलब उन्होंने बेची, सोल्ड हुई। कौन से ईयर्स में 250 से कम बुक्स देखनी है। अब देखो 250 से कम, देखो 180 है और 225 है। ठीक है, तो ये हो गया 1989 और 1992 ईयर में। तो यहाँ लिख देते हैं इन आंसर में, इन 1989 एंड 1992 ईयर्स बताने थे। तो 1989 में कितनी हुई थी? 180, जो 250 से कम है। और 1992 में कितनी हुई थी? 225, वो भी 250 से कम है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1989 और 1992। अब थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989? क्या आप बता सकते हो कि आपने कैसे एस्टिमेट किया कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई, आपने कैसे एस्टिमेट किया? तो ये हम कैसे बता रहे हैं, हमने कैसे किया था? हमने ग्राफ को रीड किया था तो हमें पता चला था। तो लिख देते हैं बाय रीडिंग द ग्राफ। हमने ग्राफ को पढ़ा अच्छे से और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि 1989 में 180 बुक्स जो है सोल्ड हुई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर लिखने हैं बाय रीडिंग दी ग्राफ, बाय रीडिंग दी ग्राफ वी एस्टिमेट इन 1989 180 बुक सोल्ड। ठीक है, बाय रीडिंग द ग्राफ, हमने ग्राफ को पढ़ के हमने एस्टिमेट किया कि 1989 में जो है 180 बुक सोल्ड हुई। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर सेकंड।